रिशा जज केस में खुलासों का दौर हर बीतते दिन के साथ जारी है। पुलिस लगातार एक्टर शीजान खान से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान शीजान खान के रोने की भी खबर सामने आई। तो वहीं आज तनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी ही देर में तनीषा का पार्थिव शरीर उनके मीरा रोड स्थित घर पर पहुंचेगा। तनीषा मीरा रोड की इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में रहती थी। तनीषा के घर पर उनके करीबी दोस्तों के आने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। तनीषा के बेहद करीबी दोस्त कुंवर ढिलन भी उनके घर पहुंच चुके हैं। 3 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा, जहां अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। अभिनेत्री तनीषा शर्मा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मीरा रोड के इंद्रप्रस्थ इमारत में उनका परिवार मौजूद है, उनकी माँ मौजूद हैं, तनीषा के जो करीबी दोस्त हैं कुंवर ढिल्लन वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कुंवर तनीषा के काफ़ी ज़्यादा करीबी हैं। आपको बता दें कि कोविड के दौरान तनीषा कुंवर के घर पर ठहरी थी जब उनकी माँ चंडीगढ़ में हुआ करती थी। ऐसे में कुंवर लगातार तनीषा के मौत के दिन से उनके परिवार के साथ है, उनकी माँ के साथ है। आप वीडियोज़ में देख सकते हैं कि चाहे जिस दिन 24 दिसंबर की शाम की बात हो, अस्पताल की बात हो, तब भी कुंवर तनीषा की माँ के साथ थे। चाहे कल की मॉर्चरी की बात हो तो तब भी कुंवर जो है वो तनीषा के माँ के साथ लगातार बने हुए थे। तो कुंवर ढिल्लन काफ़ी करीबी दोस्त थे तनीषा शर्मा के। उनके साथ साथ जिस सीरियल में तनीषा काम करती थी उसके सेट के कुछ कर्मी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो लगातार एक्ट्रेस के साथ साथ जो तनीषा की टीम मेम्बर्स है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी जब भी होता है तो उसके एक टीम मेम्बर्स होते हैं, तो टीम के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि कुंवर ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर इस बात का जिक्र भी किया था कि काश तनीषा उनसे बात कर लेती, काश ये आत्महत्या ना होती, काश तनीषा आज जिंदा होती। तो ऐसे में कुंवर के अलावा तमाम जो लोग हैं तनीषा के करीबी हैं, दोस्त हैं, वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। परिवार की तरफ से जानकारी दी गई है कि तकरीबन 1 बजे के करीब मॉर्चरी जाकर तनीषा का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ लाया जाएगा, अंतिम संस्कार जो है देर शाम किया जाएगा। 3 बजे के करीब आम लोगों के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा जो चाहने वाले हैं तनीषा के, क्योंकि तनीषा शर्मा इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा है। कम उम्र में उन्होंने तमाम बड़े शोज़ में काम किया, अपना नाम किया, लेकिन उन्होंने 24 दिसंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिलहाल शीजान खान से इस मामले में लगातार पूछताछ भी है वो जारी है और अब तनीषा के करीबी और दोस्त जो हैं वो तनीषा को अंतिम विदाई देने के लिए, उनके परिवार, उनकी मां को सांत्वना देने के लिए जो है लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। और तनीषा के घर पर अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज शाम को 4 बजे तनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा और मीरा रोड के शमशान घाट पर यह अंतिम संस्कार होगा। अभिनेत्री तनीषा शर्मा का अंतिम संस्कार आज होने वाला है, लेकिन उससे पहले उनका जो पार्थिव शरीर है मीरा रोड के पास के जिस अस्पताल में रखा गया है वहाँ से मॉर्चरी से शव यहाँ पर आने से के बाद घर पे जो रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, उसके लिए सामग्री उनके घर पर आनी शुरू हो गई। आप इस समय तस्वीरों में वो टेम्पो देख रहे हैं और उसके अंदर वो सामान देख रहे हैं। जो तस्वीरों में इस समय आपके दिखाई दे रही है ये वो स्टैंड है, जो स्टैंड के ऊपर सफ़ेद चादर है, चादर के साथ एक फ्लेक्स है। जो पार्थिव शरीर है तनीषा शर्मा का घर पे जो रखा जाएगा परिवार वालों के लिए और करीबियों के अंतिम दर्शन के लिए वो इसी पे रखा जाएगा, और जिसके ज़रिए जो परिवार के लोग हैं या जो करीबी लोग हैं वो श्रद्धांजलि देंगे अंतिम दर्शन के लिए। बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे के लिए पार्थिव शरीर यहाँ पर घर पे रखा जाएगा, उसके बाद अंतिम यात्रा यहाँ से पास के शमशान भूमि जाएगी, जहाँ पर उनका 4 बजे के करीब बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। और परिवार के लोग अभी कुछ ही देर में यहाँ के मीरा रोड के अपने इस इंद्रप्रस्थ के घर से पास के जो भाईंदर में अस्पताल है, टेम्बा अस्पताल जिसका नाम है, जिसके मॉर्चरी में तनीषा का पार्थिव शरीर रखा गया है, उसको लेने के लिए रवाना होंगे। तनीषा की मां और परिवार लगातार उनकी मौत के लिए शीजान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस बीच शीजान के परिवार का पहला बयान सामने आया है। शीजान की बहन फलक और शफक नाज ने स्टेटमेंट जारी करके अपने भाई को बेगुनाह बताया है। परिवार का कहना है कि शीजान पर ढेरों आरोप लगाए गए हैं और पुलिस इनकी जांच भी कर रही है। दोनों परिवार इस समय विक्टिम हैं। शीजान सभी तरह से पुलिस के साथ कॉपरेट कर रहा है। हम इस बारे में सही वक्त आने पर बात करेंगे। ये स्टेटमेंट शीजान की बहन शफक नाज ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। पोस्ट में क्या लिखा है ये भी आपको सुना देते हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या कहा है। लिखा गया है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पल है, हमने एक कीमती इंसान को खो दिया है और दूसरा गिरफ्तार हो गया है। शीजान पर ढेरों आरोप लगाए गए हैं और पुलिस इनकी जांच कर रही है। पुलिस को अपना काम करने दें,
मुझे इस बात पर भरोसा है कि एक बेगुनाह लड़के को बिना सोचे समझे फंसाया जा रहा है। ये समय हमारे परिवार के सदस्यों के लिए काफी मुश्किल है। हमें ये समय पुलिस का साथ देने में लगाने दें। सच खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम जल्द ही इस बारे में बात करेंगे जब समय सही होगा, लेकिन अभी के लिए हमारी प्राइवेसी की इज्जत करें। तो ये जो स्टेटमेंट सामने आया है वो बता रहा है कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के बाद परिवार का जो माहौल है, खासकर शीजान के घर में उनकी बहनों का क्या सोचना है। वहीं शीजान की बहनें अपने भाई को बेगुनाह बता रही हैं, तो तुनिशा का परिवार शीजान को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहा है। परिवार का ये कहना है कि इस मामले की लव जिहाद के एंगल से भी जांच होनी चाहिए। कि जो बातें सामने आ रही हैं कि शीजान ने पुलिस को ये बताया कि धर्म की वजह से, उम्र की वजह से उसने ब्रेकअप किया था, क्या इसकी जानकारी तुनिशा की माँ को या तुनिशा के दोस्तों के आप लोग? हमें कुछ नहीं पता था इस बारे में। अभी क्या है कि मैं कुछ कहने की कंडीशन में नहीं हूँ। जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन्हें करने दीजिए। 28 तारीख को बाकी उसके बाद ही बात करते हैं। ये लव जिहाद का भी बात की जा रही थी, आप लोग को भी इसका शक है कि इस तरीके की बात होनी चाहिए? उस एंगल से भी जाँच होनी चाहिए। और इस बीच पुलिस कस्टडी में शीजान से लगातार पूछताछ की जा रही है। महिला अधिकारी और एसएचओ शीजान से पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान शीजान फूट फूट कर रो पड़ा था। फिलहाल इस मामले में पुलिस अब तक 17 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। खुदकुशी वाले दिन अलीबाबा के सेट पर जो जो मौजूद था, पुलिस एक एक करके उन सब से बयान दर्ज करेगी। वहीं मौत की मिस्ट्री सुलझाने के लिए पुलिस शीजान तुनिशा के मोबाइल डेटा को भी खंगाल रही है। इसके अलावा पुलिस इस पूरे मामले के धर्म परिवर्तन के एंगल से भी जांच कर रही है। तुनिशा के विसरा सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। सुसाइड के वक्त तुनिशा ने जो गहने और कपड़े पहने थे उसकी भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। गले पर मिले ब्लड सैंपल की भी फॉरेंसिक जांच हो रही है। तुनिशा मौत मामले में अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है। साथ ही इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि कहीं धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ ये मामला तो नहीं है। तो पुलिस को क्या क्या बताया शीजान ने ब्रेकअप के बारे में, उसको लेकर भी जांच की जा रही है। हालांकि बार बार वो बयान बदल रहा है, तो ऐसे में भरोसा शीजान के बयान पर करना मुश्किल पुलिस के लिए हो रहा है। उधर पुलिस की पूछताछ में शीजान खान बार बार अपना बयान बदल रहा है। अब उसने तुनिशा के साथ ब्रेकअप की एक नई वजह बताई है। शीजान के मुताबिक दोनों के परिवारों को यह रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए उसने तुनिशा के साथ ब्रेकअप किया। इससे पहले शीजान ने ब्रेकअप की वजह धर्म और उम्र का अलग अलग होना बताया था। पुलिस के सामने उसने ये भी बयान दिया था कि वो दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से डर गया था और यही कारण है कि उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया। हालांकि शीजान खान जिस तरह से बार बार अपने बयानों को बदल रहा है, ऐसे में पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस अब उसके स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए परिवार वालों से भी पूछताछ करेगी। अब कल जब पूछताछ के बाद शीजान बाहर आया तो उसने इंडिया टीवी से कई बार ब्रेकअप की असली वजह का सवाल पूछा गया था, लेकिन शीजान ने कुछ नहीं बोला। शीजान बार बार ब्रेकअप की अलग अलग वजह बता रहा है, तो इस डेथ मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस अब उसके मोबाइल के डेटा को भी रिट्रीव करने जा रही है। फिलहाल तुनिशा का मोबाइल स्विच ऑफ है। तुनिशा का मोबाइल फोन एप्पल का है, उसमें पासवर्ड भी है, इसलिए डेटा रिट्रीव करने में मुश्किल हो रही है। ऐसे में पुलिस मोबाइल खोलने के लिए साइबर एक्सपर्ट की मदद ले रही है। पुलिस को तुनिशा के मोबाइल से मौत के अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। तुनिशा के अलावा शीजान का फोन का डेटा रिट्रीव कर उसे स्टडी किया जा रहा है।
फिलहाल तुनिशा डेथ केस पे अब तक के जो बड़े खुलासे हुए हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। पुलिस को शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का पता चला है। हालांकि शिजान इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन पुलिस को शिजान की बात पर भरोसा नहीं है और उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड की तलाश की जा रही है। अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि गर्लफ्रेंड के बारे में पता लगने के बाद 16 दिसंबर को तुनिशा को एंजाइटी अटैक आया था। मौत से 15 दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था। 24 दिसंबर को जिस दिन तुनिशा की मौत हुई उस दिन दोपहर 3 बजे शिजान के साथ उसने लंच किया और 3:15 बजे आत्महत्या कर ली। शिजान ने पुलिस को बताया है कि तुनिशा पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुकी है। और मुंबई से हमारे तमाम सहयोगी राजीव सिंह और नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं राजीव सिंह का रुख कर लेती हूं। राजीव, सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये कि अब दोनों के मोबाइल के डेटा को रिट्रीव पुलिस द्वारा किया जाएगा, इस प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा और जो भी जानकारी इससे मिलेगी इससे कई और बातें सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए जो आरोपी शिजान है, शिजान का मोबाइल का जो डेटा है उसको रिट्रीव करने का प्रोसेस है जो है वो चल रहा है, लेकिन तुनिशा के मोबाइल फ़ोन का डेटा रिट्रीव करने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि तुनिशा इस वक्त इस दुनिया में नहीं है और उनके फ़ोन में पासवर्ड था, एप्पल का फ़ोन था। ऐसे में साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है, लेकिन इस वक्त की ताज़ा जानकारी आपको दे दूँ कि जो इनके साथी को स्टार्स थे पार्थ ज्योतिषी और उनकी एक महिला मित्र को वालिव पुलिस स्टेशन में इस वक्त पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बयान बदल रहा है शिजान, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस के सामने भी कई बार मुसीबत खड़ी हो जा रही है कि कौन सी बात पर भरोसा किया जाए, क्योंकि ब्रेकअप की जो वजहें अलग अलग बता रहा है शिजान, उसको लेकर पुलिस भी इस बात को हजम नहीं कर पा रही है। इसी वजह से जो बाकी के कोई स्टार्स थे, घटना के दिन क्या हुआ था, ब्रेकअप की क्या वजह थी, उन तमाम चीज़ों को समझने के लिए इस वक्त जो है पार्थ ज्योतिषी और उनकी एक महिला मित्र जो दोनों कलाकार थे उनको इस वक्त वाली पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, यहाँ पर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है कि आखिर किस वजह से यह ब्रेकअप हुआ। जो बातें अभी तक जिशान ने कही है उसमें अलग अलग बातें कही जा रही है, पहले धर्म की बात कही गई, फिर उम्र गैप का बात कही गई, उसके बाद सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बात सामने आ गई, फिर यह कहा गया कि दोनों का परिवार इससे सहमत नहीं था। तो अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन सी बात पर भरोसा करें। हालांकि पुलिस का कहना है कि जितने भी बयान लिए जा रहे हैं और जहां जहां पर भी पुलिस की टीम गई थी घटना के दिन से लेकर आज तक उसकी वीडियोग्राफी की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस अधिकारी के हाथ में एक केस है, जब पुलिस ने उनसे बार बार इस बारे में पूछताछ की और उसे यह भी कहा कि आज जो है तुनिशा का अंतिम संस्कार होना है, ऐसे समय में शिजान जो है फूट फूट कर रोने लगा। इस बात की पुष्टि भी खुद वाली पुलिस के अधिकारियों ने की कि कहीं ना कहीं इन तमाम घटनाओं से वो अपने आप को दुखी बताने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन असली बात जो है वो नहीं असली बात क्या है उसी को लेकर सारा पेच अभी तक फंसा हुआ है। नम्रता दुबे के साथ हम बात करते हैं। नम्रता, इस वक्त आप कहां पर, जरा बताएं और ताजा अपडेट दें, और साथ ही साथ जिसका जिक्र अभी राजीव कर रहे थे, क्या जो परिवार है वो इस पूरे मामले में कुछ रोशनी डाल सकते हैं, क्या इसको लेकर पुलिस दोनों परिवारों से बातचीत करने को लेकर कुछ तैयारी कर रही है? जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि तुनिशा शर्मा का जो घर है मीरा रोड में, जहां अपनी माँ के साथ रहती थी, वहां पर मैं मौजूद हूं। यहां पर जो अंतिम संस्कार की जो तैयारी है वो बिल्डिंग के अंदर शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि बकायदा गार्ड्स को बिल्डिंग के गेट पर तैनात किया गया ताकि जो अपरिचित हैं वो अंदर ना जा पाएँ। ये जो मैं आपको बिल्डिंग का एरिया दिखा रही हूँ, यहाँ पर अभी फ़िलहाल साफ़ सफाई की गई है। तुनिशा का जो पार्थिव शरीर है मॉर्चरी से लाकर यहाँ बिल्डिंग के नीचे रखा जाएगा। जो भी रिश्तेदार हैं, जो करीबी एक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और आपको मैं ये पीछे की तस्वीर दिखा रही हूँ कि इस एम्बुलेंस के जो है उसमें तुनिशा का जो पार्थिव शरीर है वो इमारत में लाया जाएगा। तो ऐसे में परिवार अभी कुछ ही देर में निकलेगा, जब तुनिशा का जो पार्थिव शरीर है वो इमारत में पहुँचेगा। तो यहाँ पर बिल्डिंग के नीचे तैयारियाँ काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो एम्बुलेंस अभी अंदर दाखिल हो रहा है, क्या वही है एम्बुलेंस? जी, ये वही एम्बुलेंस है, यहाँ पर लाया गया है कि जब तुनिशा का पार्थिव शरीर मॉर्चरी से यहाँ पर आएगा तो इसमें जो बॉडी है वो यहाँ से ले जाई जाएगी शमशान की तरफ। तो फिलहाल जो मैंने आपको जो बताया कि यहाँ पर बिल्डिंग के नीचे इसकी तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो एम्बुलेंस है वो फिलहाल बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, बिल्डिंग के नीचे इसके लिए पूरी तैयारियाँ की गई हैं। कंवर ढिल्लन जो कि तनिशा के बेस्ट फ्रेंड बताए जाते हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं।
तनीषा की जो फैमिली है वो यहाँ पर पहुँच गई है। तो ऐसे में अब आप बिल्डिंग के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। दूसरी बात परिवार की अगर बात करें तो कल इंडिया टीवी ने जो है शिजान की बहन फलक नाज से बात की, तो फलक ने साफ तौर पर ये कहा कि जो भी आरोप तनीषा के परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं तो उसमें उन्होंने अपनी बच्ची को खोया है, गुस्सा है, आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, शिजान जो है वो बेगुनाह है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम जो है सबूत रखेंगे। तो ऐसे में तनीषा के परिवार की तरफ से जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं उन सभी को साफ तौर पर नकार रहा है शिजान का परिवार। जो फलक नाज हैं वो लगातार वकील के साथ जब पुलिस स्टेशन पहुंच रही हैं तो इस बात पर पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है कि शिजान बेगुनाह साबित हो, जितने भी सबूत हैं वो पक्ष में जो है वो पेश किया जाए। तो ऐसे में फिलहाल आज जो है तनीषा शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूसरी तरफ लगातार शिजान खान से पूछताछ जारी है। तो ऐसे में जो टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपको बता दें कि कई लोग आज यहाँ पर अंतिम दर्शन पर पहुँचेंगे, जो तनीषा के भी दोस्त हैं, शिजान के भी दोस्त हैं, दोनों के कॉमन फ्रेंड हैं, तो वो उनका आना, उनकी बातें रखना भी काफ़ी ज़्यादा इस केस में जो है वो महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल तनीषा का जो परिवार है वो कुछ ही मिनटों में यहाँ से निकलेगा। एम्बुलेंस जो आई है उसमें तनीषा का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर बिल्डिंग के नीचे रखा जाएगा, क्योंकि तनीषा शर्मा कम उम्र में उन्होंने कई बड़े शोज में काम किए, बड़े कलाकारों के साथ काम किए, और ऐसे में उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके पार्थिव शरीर का जो अंतिम दर्शन है वो यहाँ पे किया जाएगा। फिलहाल तनीषा के परिवार की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गई हैं, क्योंकि एक शिजान के परिवार से कोई भी व्यक्ति तनीषा के परिवार से मुलाकात करने के लिए कोशिश किया आए हो? तनीषा के जो बेस्ट फ्रेंड हैं कंवर ढिल्लन, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। आपको बता दें कि कंवर वो शख्स हैं जब जिस रात तनीषा की मौत हुई थी उस रात अस्पताल में वो मौजूद थे, जेजे अस्पताल से लेकर मीरा रोड का जो मॉर्चरी है वहां तक भी मौजूद था। वीडियोस में देख सकते हैं कि तनीषा को मां बिल्कुल नम्रता, ये जो मौत की मिस्ट्री है ये उलझती जा रही है और उसे सुलझाने के लिए पुलिस हर एक संभव प्रयास कर रही है। दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।